हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करते हैं ताप आयनिक उत्सर्जन, थर्मो आयनिक एमिशन। ताप आयनिक उत्सर्जन, थर्मो आयनिक उत्सर्जन या इसको हम एक इक्वेशन डेराइव करेंगे जिसको हम कहेंगे रिचर्डसन डैसमान इक्वेशन। बेसिकली होता क्या है, ताप आयनिक उत्सर्जन जो धातु होते हैं उन धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हैं, बंधे हुए रहते हैं। हालांकि हम मानते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो धातु की सरफेस से बाहर आना चाहिए। वो सरफेस से बाहर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि सरफेस पे क्या होती है, एक विभव रोधिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और उस पोटेंशियल बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस से बाहर नहीं आ पाता है। जैसे मान लो ये हमारा एक एटम है और इस एटम के ये क्या हैं, लेवल्स हैं, फील्ड हैं। ये एटम है, उसका न्यूक्लियस है और इसके बाहर इसमें क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। और ये हमारी क्या है, रेडियस है इसके न्यूक्लियस से। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये इसकी क्या है, फर्मी एनर्जी है, ई एफ एनर्जी है, फर्मी एनर्जी। और इस फर्मी एनर्जी के ऊपर इस एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, ई बी एनर्जी लेवल, बाइंडिंग एनर्जी लेवल है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तक इस पे क्या कर रहा है, पोटेंशियल काम कर रहा है, ये पोटेंशियल को शो कर रहा है ये डायरेक्शन। और इस लेवल यहाँ तक पोटेंशियल है, विभव है, इस पे काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर चलते हैं, आर की वैल्यू ये इधर ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है वो इस पोटेंशियल के प्रभाव से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अर्थात अब वो धातु की सतह को छोड़ने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो ये जो गैप है ई एफ और ई बी लेवल के बीच का जो गैप है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्यफलन। क्या कहते हैं, कार्यफलन। अब कोई इलेक्ट्रॉन है वो सपोज करो इस एनर्जी लेवल में है, यहाँ से किस एनर्जी लेवल में है, इस एनर्जी लेवल में है। तो यहाँ से अगर ये धातु की सरफेस से बाहर निकले तो इसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसकी एनर्जी है, अर्थात इस मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इस सरफेस से बाहर निकले मेटल की, तो उसके लिए जरूरी है वो क्या करें, ई एफ प्लस फाई एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए, तो ही वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आ पाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये इतनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करवा दें तो वो सरफेस से बाहर निकल जाएगा। अब एनर्जी प्रोवाइड करवाने का तरीका अगर हमारा क्या हो, टेम्परेचर हो, अर्थात ताप के द्वारा इतनी एनर्जी हम उसको दे दें, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ताप आयनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मो आयनिक एमिशन कहते हैं। अर्थात हम टेम्परेचर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा दें तो वो इलेक्ट्रॉन धातु की सरफेस से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थर्मो आयनिक एमिशन कहते हैं। तो अब हमें निकालना है कि मेटल की सरफेस या मेटल में से कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो सरफेस से बाहर आ पा रहे हैं। हमें निकालना है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो मेटल की सरफेस से बाहर आ पा रहे हैं। अब चूंकि फर्मी डिराक सांख्यिकी से हमने देखा था, क्या देखा था, फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार dpx, dpy, dpz संवेग वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में dpx, dpy, dpz संवेग वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है हमारी 2/h³ × Fe dpx dpy dpz होती है, जहाँ px, py, pz क्या है, संवेग के घटक हैं x दिशा, y दिशा और z दिशा में, और Fe क्या है, e ऊर्जा स्तर के भरे जाने की प्रायिकता है। और 2 किसकी वजह से आया था, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से आया था। तो इतने इलेक्ट्रॉन हैं वो इस अल्पांश में dpx, dpy, dpz अल्पांश के अंदर
उपस्थित हैं। अब हमारा मकसद है, क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं जब हम गर्म करेंगे तो सरफेस से बाहर आएंगे, ये हमें चेक करना है। ये सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम है वो एक्स वाई और जेड दिशा में है, अगर हमारी सरफेस इस प्रकार की है, देखो अगर इस प्रकार की सरफेस है और ये मेटल है, इस मेटल के अंदर एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन है, और मैं मान लेता हूँ ये डायरेक्शन है, ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, तो अब इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहे हैं, वाई में भी कर रहे हैं, जेड में भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वाई और जेड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है वो सरफेस से बाहर निकल पाएगा? वो सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगा। सरफेस से बाहर निकलने के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जिनका मोमेंटम है, संवेग है, वही इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मकसद है एक्स दिशा में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या हम निकाल लें, यही मकसद है। चलो तो हम निकाल लेते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये क्या है? ये टोटल बता रहा है, उस अल्पांश में टोटल इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारा मकसद क्या है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले निकालने का मकसद है। अब चूंकि हमें पता है एफ ई की वैल्यू कितनी है, वो मैं अगर यहाँ रख दूँ, 2/h³ dpx dpy dpz अपॉन एफ ई की वैल्यू क्या है? एक्सपोनेंशियल पावर ई माइनस ई एफ अपॉन kbt प्लस 1। अब चूंकि ई माइनस ई एफ है, इसकी वैल्यू kbt से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी है और ये उन लेवल्स के बीच की एनर्जी है वो है ज़्यादा, इसलिए ये क्वांटिटी क्या है? एक से काफ़ी ज़्यादा है। तो एक को क्या कर दें? नेगलेक्ट। जैसे ही एक को नेगलेक्ट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 2/h³ dpx dpy dpz अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन kbt आएगा, और एक को हमने क्या कर दिया? नेगलेक्ट। तो इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो 2/h³ एक्सपोनेंशियल पावर ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस होगा तो माइनस ई एफ तो प्लस का बन जाएगा, ई माइनस का, तो क्या हो जाएगा? ई एफ अपॉन kbt डॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई अपॉन kbt और dpx dpy dpz आएगा। हमारा मकसद क्या है? हमें अक्ष दिशा में ट्रेवल कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो पहले हम क्या कर लें? अक्ष दिशा में इसको वेग के पदों में लिख लेते हैं इस समीकरण को। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, 2/h³ एक्सपोनेंशियल पावर ई एफ अपॉन kbt डॉट एनर्जी है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर हैं, लगभग फ्रीली क्या करते हैं? मूव करते हैं, और यदि उनका वेग v है तो उस वेग के तीन घटक होंगे vx vy vz, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है v वो कितनी आएगी? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो अगर मैं एनर्जी लिखूं तो ये किसके बराबर आएगी? 1/2 mv² और इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz² ठीक है। अब इसके साथ इसमें देखो मोमेंटम यूज हो रहा है, तो चूंकि अगर वेग हमें पता है तो मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं। तो px कितना आएगा? mvy। py कितना आएगा? mvy। pz कितना आएगा? mvz। अगर मैं यहाँ से dpx निकालता हूँ तो वो कितना आएगा? mdvx। dpy कितना आ जाएगा? mdvy। और dpz कितना आ जाएगा? mdvz आ जाएगा। ये मान इसमें रख लेते हैं समीकरण में, तो क्या आएगा? ये 2/h³ एक्सपोनेंशियल पावर ई एफ अपॉन kbt डॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई अपॉन kbt। तो माइनस 1/kbt इंटू ई। ई की वैल्यू क्या है? ये है 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz²
और क्या है साथ में, क्या था dpx, तो dpx की वैल्यू कितनी हो गई, डॉट एम डी वी एक्स डॉट एम डी वी वाई डॉट एम डी वी जेड आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माना जाएगा इज इक्वल टू 2mmm, कितना हो गया m क्यूब, 2m³ अपॉन h³ e की पावर ef अपॉन kbt, ये लिख दिया मैंने यहाँ तक, ठीक है। इनको अलग अलग कर लेते हैं, डॉट एक्सपोनेंशियल पावर, इसको अलग लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2kbt, डॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2kbt, डॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2kbt डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, आएगा या नहीं आएगा, ये हमारे पास आ गए हैं उस डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जेड संवेग अल्पांश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है। अब हमें चाहिए क्या, हमें अक्ष दिशा में ट्रेवल करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। अब चूंकि अक्ष दिशा में ये हमारा क्या था, मेटल था, अब इसमें देखो अक्ष दिशा में भी है, वाई दिशा में भी है, जेड दिशा में भी है, तो अक्ष दिशा में जो इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ उन्हीं की संख्या हमें चाहिए, तो वाई और जेड दिशा में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं उनके वेग कहां से कहां तक रहेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहेंगे, लेकिन अक्ष दिशा में जो इलेक्ट्रॉन वेग ट्रेवल कर रहा है उसका वेग है वो क्या रहेगा, क्योंकि अगर उसका इन्फिनिटी हो जाएगा तो वो सरफेस से बाहर आ जाएगा, तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो उसकी कुछ अलग लिमिट आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या कर देते हैं, सिर्फ इन दो का समाकलन कर लेते हैं, वी जेड और वी वाई दिशा वाले। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने माना है जो ये मेटालिक सरफेस है वो वाई जेड प्लेन में रखी हुई है, तो अक्ष डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ऐसा करते हैं अपन, तो इसको मैं मिटा लेता हूं, तो इस प्रकार जो अक्ष डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ किससे, डी एन एक्स से, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2m³ अपॉन h³ एक्सपोनेंशियल पावर ef अपॉन kbt, डॉट e की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2kbt, और इसकी लिमिट हो जाएगी अब देखो, और साथ में इसके डी वी एक्स भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी माइनस e की पावर माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2kbt माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी वी वाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2kbt डी वी जेड, और कुछ है इसमें नहीं है। ये हमारे पास आगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अक्ष डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, और ये संख्या किस में है, एकांक आयतन में, क्यों, हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था ये जो संख्या आई थी वो किस में थी, एकांक आयतन के अंदर थी। तो अब हमें इन दोनों समाकलनों की वैल्यू चाहिए, और ये दोनों समाकलन हमारे क्या हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, क्योंकि हम जानते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन कितना होता है अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा। तो ये दोनों समाकलन देखो सेम इसी प्रकार के हैं, जिनके अंदर अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो एम अपॉन 2kbt है अल्फा की वैल्यू। तो अगर ये ऐसा है तो इसकी वैल्यू भी ये आएगी और इसकी वैल्यू भी ये आएगी, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2kbt डी वी वाई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2kbt डी वी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या है एम, और 2kbt आ गई। तो इसकी वैल्यू भी ये है, इसकी वैल्यू भी ये है, ये मान इसमें रख लेते हैं, तो डी एन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 2m³ अपॉन h³ e की पावर ef अपॉन kbt एक्सपोनेंशियल पावर माइनस mvx² अपॉन 2kbt डॉट
डी वी एक्स इंटू, इसकी वैल्यू अंडर रूट टू पाई के बी टी अपॉन एम, इसकी वैल्यू अंडर रूट टू पाई के बी टी अपॉन एम आ गई। ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई है जो हमने रख दी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डी एन एक्स इज इक्वल टू टू एम क्यूब अपॉन एच क्यूब, ये मान रखेंगे तो क्या आएगा टू पाई के बी टी, ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, अंडर रूट हट जाएगा, टू पाई के बी टी अपॉन एम ई की पावर ई एफ अपॉन के बी टी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन टू के बी टी डॉट डी वी एक्स। ये हमारे पास उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एकांक आयतन में जो अक्ष दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं और अक्ष दिशा में जिनका वेग कितना है, वी एक्स है। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहाँ तक? अब हमें क्या चाहिए है, यदि हम मान लेते हैं, यदि हम मान लेते हैं कि अक्ष दिशा में वी अक्ष वेग से जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है वो सरफेस पर पहुंचने में टी समय लेता है, कितना समय लेता है, टी समय वो सरफेस पर पहुंचने में ले रहा है, तो सरफेस पर किसी क्षेत्रफल ए पर, मान लो ये हमारी सरफेस है और इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में वी अक्ष वेग से जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो टी समय में और इसके किसी क्षेत्रफल ए पर आपतित हो रहा है, तो इस ए क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी डी एन एक्स इंटू क्या आएगा, वी एक्स इंटू टी इंटू ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगी उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो टी समय में इसके क्षेत्रफल ए पर आपतित हो रहे हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, वी एक्स है। क्यों है, अब ये देखो इसका मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ऐसा क्यों आया, क्योंकि डी एन एक्स हमारा क्या था, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन था, और अब हम क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो डी एन एक्स है, तो इस आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू लंबाई, वी एक्स इंटू टी क्या होगी, लंबाई, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या बन रही है, आयतन बन रही है, तो ये क्या था प्रति एकांक आयतन और इसको आयतन से गुणा कर दिया तो ये क्या आ गई, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब हमें चाहिए क्या, यदि यदि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक समय में आपतित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमें निकालनी है, ये क्या थी, ये देखो हम कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई ई एरिया पर, इस ए एरिया पर टी समय में जो आपतित हो रहे हैं, अब एकांक समय में कितने इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे हैं तो टी का भाग देंगे और एकांक क्षेत्रफल पर भी है तो ए का भी भाग दे दें इस पे, तो ये जो नंबर है उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ किससे, डी एन एक्स से, जो किसके बराबर आएगा, डी एन एक्स वी एक्स टी अपॉन ए अपॉन टी इंटू ए, तो टी से टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, वी एक्स इंटू डी एन एक्स। ये क्या चीज है, ये एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये डी एन एक्स हमने डिफाइन कर लिया, डी एन एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, डी एन एक्स की ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो कितना आ जाएगा, टू एम क्यूब अपॉन एच क्यूब टू पाई के बी टी अपॉन एम ई की पावर ई एफ अपॉन के बी टी डॉट वी एक्स, ये वाला वी एक्स, और ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन टू के बी टी इंटू डी वी एक्स। ये हमारे वो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए है, अब हमें चाहिए ये डी एन एक्स है हमारा, तो इसको
अब देखो, ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो एकांक समय में इस सरफेस पे पहुंचे हैं, जैसे ये हमारी मेटेलिक सरफेस थी, इस पे पहुंच गए हैं। तो इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए कंडीशन क्या है हमारी? अब इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए हमने कंडीशन क्या देखी थी कि इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी है वो ई एफ फाइ प्लस फाइ से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वी एक्स वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी आएगी? 1/2 m × vx2। इसका मतलब 1/2 m vx2 क्या होना चाहिए? इस एनर्जी से बराबर या इससे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन धातु की सरफेस से बाहर आ जाएगा। हमारा मकसद भी यही था कि हमें उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी थी जो टेम्परेचर देने पे सरफेस से बाहर आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, vx2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/m × EF+5। ठीक है, तो यहाँ से Vx हमारा कितना आ जाएगा, 2/m × EF+5, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है जो सरफेस से बाहर आ रहे हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का वेग इससे ज़्यादा हो गया तो वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हम वो इलेक्ट्रॉन निकाल लें जिनका वेग इस वेग और अनंत के बीच में हो, तो वो अपने आप सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, वी अक्ष से लेके क्या आ जाएगी, अनंत के बीच में। तो ये जो वी अक्ष है ये वेरी कर रहा है, और इसको मैं मान लेता हूँ वी नॉट है। ये वैल्यू क्या है, वी नॉट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dmx = 2m³/h³ 2πkBT/m exponential power EF/kBT इंटीग्रेशन वी नॉट से लेके इन्फिनिटी, जहाँ वी नॉट क्या है, √2/m EF+5, क्योंकि इससे ज़्यादा वेग होते ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। वी नॉट से लेके इन्फिनिटी वी एक्स एक्सपोनेंशियल पावर -mvx²/2kBT.dx आ जाएगा। ये क्या हो गई है हमारी, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है। और चूंकि हम समाकलन कर चुके हैं तो इसको क्या करते हैं, अब डी एन एक्स का डी हटा देते हैं, तो ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अब क्या करना है, इस समाकलन की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। इस समाकलन की वैल्यू चाहिए, तो हम मान लेते हैं mvx²/2kBT = u मान लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m/2kBT.2vx/dvx = क्या आ जाएगा, du। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो vx/dvx = क्या आ जाएगा, kBT/m × du। तो इसका क्या कर लेते हैं, अपन लिमिट है वो चेंज कर लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब देखो, जब हम इसकी लिमिट चेंज कर रहे हैं तो पहले देखो Vx की लिमिट V नॉट से इन्फिनिटी है। अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल हमने U बना दिया, तो U की लिमिट कितनी आ जाएगी, जब लोअर लिमिट V नॉट है तो Vx की जगह V नॉट लगेंगे, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, m V0²/2kBT हो जाएगी। इसको मैं मान लेता हूँ यू नॉट, मान लेते हैं इसको, तो लोअर लिमिट हमारी ये हो गई वी नॉट, और अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो वी एक्स की जगह इन्फिनिटी लिखोगे तो यू कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट है यू अपर, वो कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। लिमिट भी हमने चेंज कर दी, तो ये मान रख देते हैं इसके अंदर और हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो कितना आता देखो, nx = 2m³/h³ 2πkBT/m e^(EF)kBT, और लिमिट कितनी हो गई, यू नॉट से लेके इन्फिनिटी, जहाँ यू नॉट क्या है, ये। ठीक है, यू नॉट से लेके इन्फिनिटी वी एक्स डी वी एक्स, ये किसके बराबर है, kBT/m × du के, और ये कितना हो गया, e^(-), ये क्वांटिटी कितनी थी, हमने मान ली थी यू है। ठीक है, अब इस समाकलन को हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से, तो सोल्व कर देते हैं। देखो,
यहाँ से हमें करना है इसका समाकलन, तो e की पावर माइनस यू डी यू का समाकलन क्या हो गया, ये हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एक्स इज इक्वल टू टू एम क्यूब अपॉन एच क्यूब टू पाई के बी टी अपॉन एम ई की पावर ई एफ अपॉन के बी टी और के बी टी अपॉन एम यू नॉट से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू डी यू। तो इसका समाकलन कर लेते हैं, एन एक्स इज इक्वल टू टू एम क्यूब अपॉन एच क्यूब के बी टी है टू पाई के बी टी क्या हो जाएगा, के बी टी की स्क्वायर अपॉन एम और एम कितना हो जाएगा एम स्क्वायर और ई की पावर ई एफ अपॉन के बी टी, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस ई की पावर माइनस यू लिमिट यू नॉट से लेके इन्फिनिटी है। तो इसका मान कितना आ जाएगा वो लिख देते हैं अपन, एन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू एम क्यूब अपॉन एच क्यूब टू पाई के बी टी की होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ई की पावर ई एफ अपॉन के बी टी और इसका समाकलन कितना आ जाएगा, लिमिट लगते हैं इसमें, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ई की पावर माइनस यू नॉट, ये तो हो गया जीरो इज इक्वल टू टू एम क्यूब अपॉन एच क्यूब, इसको भी काट लेते हैं अपन, कितना बचेगा एक एम बचेगा ऊपर, टू एम अपॉन एच क्यूब डॉट टू पाई के बी टी की होल स्क्वायर ई की पावर ई एफ अपॉन के बी टी और ई की पावर माइनस यू नॉट, ई की पावर माइनस यू नॉट की वैल्यू कितनी है, ये है एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू के बी टी और वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू हमने क्या लिखी थी टू अपॉन एम ई एफ प्लस फाइव, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या हट जाएगा अंडर रूट, वो वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू टू एम अपॉन एच क्यूब टू पाई के बी टी की होल स्क्वायर ई की पावर ई एफ अपॉन के बी टी डॉट ई की पावर माइनस एम अपॉन टू के बी टी वी नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टू बाई एम ई एफ प्लस फाइव, टू से टू कैंसिल एम से एम कैंसिल, क्या बचेगा देखो अब इज इक्वल टू टू एम अपॉन एच क्यूब, इस टू को भी गुणा कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा ये फोर पाई एम के बी टी की होल स्क्वायर ई की पावर ई एफ अपॉन के बी टी और डॉट ई की पावर, ये कितना बच रहा है माइनस ई एफ अपॉन के बी टी डॉट ई की पावर माइनस फाई अपॉन के बी टी, ये देखो कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बच रहा है हमारे पास आ गया एन एक्स इज इक्वल टू फोर पाई एम के बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एच क्यूब ई की पावर माइनस फाई अपॉन के बी टी, ये एन एक्स के बराबर है, ये एन एक्स क्या था, ये हमारी सरफेस थी, इस सरफेस पर से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाले अर्थात ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, अर्थात एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से इतने इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे, वही चाहिए था हमें, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई है हमारे पास तो हम क्या निकाल सकते हैं आवेश भी निकाल सकते हैं, और चूंकि ये एकांक समय में निकल रहे हैं तो वो आवेश है वो क्या बन जाएगा हमारा धारा बन जाएगी, क्यों, क्योंकि जो हम जानते हैं धारा आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी होता है, इसका मतलब क्या होता है एकांक समय में प्रवाहित आवेश, और ये हम निकाल चुके हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या है एकांक समय में प्रवाहित हो रहे हैं अर्थात एकांक समय से निकल रहे हैं, तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन के आवेश ई से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा धारा बन जाएगी, और चूंकि ये एकांक क्षेत्रफल से भी निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है
ये धारा घनत्व को भी रिप्रेजेंट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा हो गया, इसको मिटा दूं क्या, इसका मतलब हमारा ये है प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा जिसको मैं जे अक्ष से रिप्रेजेंट करता हूँ वो किसके बराबर आएगा, ई इंटू एन अक्ष। अब आप कहोगे कि ये क्या है, ई इंटू एन अक्ष है, वो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा नहीं है, कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये धारा ही है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे ये तो क्या थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उस संख्या को आवेश से गुणा किया तो ये आवेश बना, लेकिन एक्चुअल में था क्या ये एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में था। इसका मतलब क्या था, इसके साथ साथ क्या है, इसमें टी और ए का भाग भी लगा हुआ है ऑलरेडी, और टी और टी का भाग अगर इसमें देते हैं अपन तो ये क्या बन जाता है, अपने आप क्या बन जाता है, धारा बन जाती है, और धारा में ए का भाग देते हैं तो वो क्या बन जाता है, धारा घनत्व या एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। इसका मतलब ये हमारा किसके बराबर आ गया, ई इंटू एन एक्स के बराबर आ गया। तो ये मान रख देते हैं हम, तो ई इंटू एन एक्स की वैल्यू कितनी थी, 4πmkb² अपॉन एच क्यूब डॉट टी स्क्वायर ई की पावर -5 अपॉन kbt। ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इनको हम क्या मान लेते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं ए, 4πmkb² अपॉन एच क्यूब इज इक्वल टू, हम क्या मान लें, ए मान लें। तो इसको अगर ए मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जे अक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर ई की पावर -5 अपॉन kbt। ये हमारे पास क्या आ गया है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा आ गई है। और इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, रिचर्डसन डेसमान समीकरण। ये समीकरण हमें क्या बता रही है, ये समीकरण हमें एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, टेम्परेचर और फाई में क्या बता रही है, रिलेशन, जहां फाई क्या था, कार्यफलन, अर्थात सरफेस से बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो क्या थी, हमारी फाई थी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अगर फाई की वैल्यू ज़्यादा है किसी धातु के लिए, अगर कार्यफलन का मान ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें से प्रवाहित धारा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कार्यफलन का मान कम है तो ये धारा ज़्यादा हो जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कार्यफलन क्या बता रहा था, सरफेस से इलेक्ट्रॉन, सरफेस थी, उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, वो कार्यफलन था। अगर वो एनर्जी ज़्यादा पड़ रही है जरूरत, इसका मतलब हमें ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, और ज़्यादा ताप देना पड़ेगा इसका मतलब उसमें से धारा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और अगर कार्यफलन का मान कम है तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर देके भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये समीकरण हमारी रिचर्डसन डेसमान इक्वेशन है, और ये हमारा क्या है, ताप आयनिक उत्सर्जन, थर्मो आयनिक एमिशन। थैंक यू।